भारत में अनेक चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर हैं, जहां पर कई सारे रिसर्चर्स ने रहस्य को पता करने के लिए बहुत सारी खोजबीन तो की है, लेकिन आज तक वे उन रहस्यों का पता नहीं लगा पाए हैं। और आज मैं इन्हीं में से एक मंदिर आया हूं, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। तो गाइस फाइनली जो है हम हमारे दूसरे लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। दूसरे लोकेशन का नाम है काल भैरव मंदिर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। पीछे मेरे देख पाएंगे वो है काल भैरव मंदिर। इस मंदिर की विशेषता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये मंदिर है, इस मंदिर में एक अनोखा प्रसाद जो है चढ़ाया जाता है। प्रसाद के रूप में भगवान काल भैरव को जो है मंदिरा मतलब कि दारू को जो है उनको चढ़ाया जाता है। दारू वो भगवान को खुद आपके सामने पंडित जी हैं वो पिलाते हैं। इस कारण जो है ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और ये भगवान जो है महाकाल है उनके सेनापति भी माने जाते हैं। तो इसलिए जो भक्त उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आते हैं वो जरूर इस मंदिर में भी पधारते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे प्रसाद की दुकान में जो है दारू भी यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लीगली यहाँ पर भगवान को जो है ये चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। और ये बाकी प्रसाद जो है ये भी देखने को मिलेगा आपको। तो गाइस इस वक्त जो है हम काल भैरव मंदिर के अंदर हैं और हमारे साथ संजय पुजारी जी जो हैं वो हमें इस मंदिर की पूरी जो कहानी है वो बताएंगे। पंडित जी नमस्कार। जो यहाँ का जो एक कल्चर है इस मंदिर का, इस मंदिर में एक अनोखा प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान भैरव बाबा जी को, तो ऐसा क्या खासियत है यहाँ पर बताइए। ये काल भैरव भगवान है और ये महाकाल के सेनापति के आप के रूप में यहाँ विराजित हैं। और ये जगह है जो तंत्रपीठ जगह है, तंत्रपीठ होने के कारण यहाँ वाममार्ग की पूजा के अंतर्गत भगवान को तांत्रिक पूजाओं के अंतर्गत भगवान को मदिरा पिलाने का विधान है। और भगवान जो भी भक्त मदिरा लेके आते हैं उनकी मदिरा भगवान को पिलाई जाती है, सभी की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। इस उद्देश्य से लोग यहाँ मदिरा लाते हैं और भगवान पीते हैं। वो तो पीने के बाद कहाँ जाती है आज तक किसी को पता नहीं है। अनेक प्रकार के शासक आए हैं यहाँ पे, सब खोजबीन हुई है, लेकिन मदिरा कहाँ जाती है आज तक किसी को पता नहीं चला है। जी, जैसा कि पंडित जी ने बताया हमें कि यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं चला कि वो मदिरा या फिर जो दारू कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में वो कहाँ जाती है। तो यही यहाँ की विशेषता है पंडित जी। भगवान भैरव जी को यहाँ सेनापति कहा जाता है महाकाल भगवान का। यहाँ राजा धीराज महाकाल राजा हैं और आप उनके सेनापति हैं, सेनापति के रूप में इनकी पूजा की जाती है। जो भक्त यहाँ पर देश भर से भगवान महाकाल के तो दर्शन करने आते ही हैं, फिर उसके बाद जरूर काल भैरव महाराज के भी दर्शन करने आते हैं। विधान तो ये है कि पहले सेनापति से आज्ञा लेकर राजा से मिला जाता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि लोगों ने पहले महाकाल दर्शन करके फिर काल भैरव जी आते हैं, लेकिन विधान ये है कि पहले काल भैरव जी से आज्ञा लेके सेनापति से आज्ञा लेके ना फिर राजा से मिला जाता है। सो गाइस फाइनली जो है हम काल भैरव मंदिर से वापस आ चुके हैं। पंडित जी से हमने वहाँ का रहस्य, वहाँ के विशेषताएं जान ली हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया। पहले वहाँ पर शूट करने की परमिशन नहीं थी तो शूट नहीं करने दे रहे थे, लेकिन फाइनली मैंने पंडित जी से रिक्वेस्ट करी, प्रशासन से वहाँ पर थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी, फिर उन्होंने मेरे साथ बातचीत भी करी और फिर वहाँ पर मुझे शूट भी करने दिया। तो बहुत मज़ा आया। तो उज्जैन में आज हमने बाबा महाकाल के दर्शन करे और उनके सेनापति काल भैरव जी के भी दर्शन करे हैं। तो आज के ट्रिप को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और ऐसे ही बढ़िया वीडियोस देखने के लिए, व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में। बाय बाय।